वेलकम बैक टू योर ओन चैनल, माय नेम इज मनोरमा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जॉब शेयर कर रही हूँ, जहाँ पर आप लोगों का कोई कॉल या चैट वाला काम नहीं है। और जो इस कंपनी में ये प्रोफाइल आया है, दैट इज द L&T। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हो तो लार्सन एंड टुब्रो इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन इंडिया, राइट। सो L&T पर फिलहाल के लिए एक फ्रंट लाइन ऑफिसर का जॉब रोल आया है, ओके, जिसके लिए एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब रोल। एंड बेसिकली ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर ये कंप्लीट जो जॉब रहने वाला है, दैट इज द वर्क फ्रॉम होम में रहने वाला है, ओके। और ये काम करने के लिए गाइज, आप लोगों के पास में आपका लैपटॉप होना या आप लोगों का कोई वाईफाई का कनेक्शन होना, ये यहाँ पर मैंने डिटेल लिखा नहीं है। इसका मतलब कंपनी की तरफ से आप लोगों को ये सारा कुछ जो यहाँ पर प्रोवाइड भी किया जाएगा अगर आपके पास में नहीं है। इसके लिए जो सैलरी का रेंज दिया गया है, दैट इज द 27,000 से लेकर 30,000 के बीच में आप लोगों का यहाँ का सैलरी का रेंज है, ओके। सो इस प्रोफाइल के लिए जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है वो मैं आप लोगों के साथ में वन बाय वन शेयर करती हूँ, ताकि जो लोग इसके लिए इलिजिबल है ना, वही लोग यहाँ पर अप्लाई कर सको, ओके। सो ये जो जॉब प्रोफाइल मुझे मिला है वो मिला है Naukri.com के थ्रू में। आप अभी मेरे स्क्रीन पर जैसे देख सकते हो, मुझे मिला है वो मिला है Naukri.com के थ्रू में। आप अभी मेरे स्क्रीन पर जैसे देख सकते हो कि इसका नाम है फ्रंट लाइन ऑफिसर का, ओके। L&T पर आया है और ये दो ही दिन पहले ये जो जॉब अपडेट यहाँ पर आया। इसके लिए लोकेशन जो दिया गया, मतलब हायरिंग ऑफिस जो लोकेटेड किया गया है, दैट इज इन द तमिलनाडु मदुरई। लेकिन ऐसा लिखा नहीं है कि तमिलनाडु के ही लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर रिमोट लिखा है और एक्सपीरियंस मांगा है 1 to 2 years का। सैलरी का रेंज दिया है 2 से लेकर 3.25 lakhs का। अब जॉब डिस्क्रिप्शन की बात किया जाए तो आप लोगों को यहाँ पर करना क्या है, तो यू हैव टू सोर्सिंग द बिजनेस थ्रू द एग्जिस्टिंग कस्टमर, ओपन मार्केट, BT एंड टॉप अप्स। मतलब एक कस्टमर सपोर्ट वाला ही रोल है, बट आप लोगों को एग्जिस्टिंग जो इन लोगों के कस्टमर्स होते हैं ना, उनके साथ में कम्युनिकेट करके L&T का बिजनेस जो है यहाँ पर बढ़ाना है। वेरीफाइंग द KYC एंड प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। अब इससे पता चलेगा कि ये जो जॉब रोल है वो थोड़ा सा बैंक सेक्टर से रिलेटेड, थोड़ा सा लोन सेक्टर से रिलेटेड ये होने वाला है। यहाँ पर फील्ड वेरिफिकेशन, प्रॉपर्टी एंड बिजनेस, कोऑर्डिनेट विद द इंटरनल डिपार्टमेंट ऑपरेशंस, क्रेडिट एंड लीगल टेक्निकल, ओके, टिल डिसबर्समेंट, देन अचीविंग द मंथली लॉगिन एंड डिसबर्सल टारगेट्स, एंश्योर अधेरिंग टू ऑल प्रोसेस कंपाइलेंस एंड पॉलिसीज। मिनिमम 1 year का एक्सपीरियंस चाहिए आप लोगों को, आप लोगों के पास में रिलेटेड दिस फील्ड, लोन सेल से रिलेटेड हो गया या बैंक से रिलेटेड हो गया या ENBFC से हो गया। एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, क्रेडिट, लीगल, ऑपरेशंस, टेक्निकल एंड कस्टमर। प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ मीटिंग सेल्स टारगेट। अब यहाँ पर अप्लाई करने के लिए गाइज बहुत ही ईजी तरीका है। इन लोगों ने पहली बार, मुझे लगता है कि L&T वालों ने ये काम किया है कि यहाँ पर एक ईमेल अकाउंट दिया है, जीमेल दिया है इन लोगों ने, जो कि है HR का जीमेल है। अब यहाँ पर देख सकते हो आप mariam@itfs.com, और इन लोगों ने कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है। बट बिफोर कॉन्टैक्टिंग आई एम थिंकिंग कि इट्स बेटर ऑलवेज कि आप लोग इन लोगों को एक आपका रिज्यूमे जो है, CV जो है, डेफिनेटली इन लोगों को शेयर कीजिए। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी यहाँ पर अप्लाई करे, ओके। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है बेसिकली यहाँ पर एनी ग्रेजुएट मांगा है। आप लोगों के पास में कौन से स्किल्स होनी चाहिए यहाँ पर, तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, हाउसिंग लोन, मॉर्गेज, देन LAP, SME, हाउसिंग फाइनेंसियल्स। तो मेक श्योर करना, अगर आपका CV यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्ट करना है, तो जो की स्किल्स इन लोगों ने मांगे हैं ना, वो स्किल्स डेफिनेटली आपके CV में होने चाहिए। इसीलिए आप लोगों के पास में एक्सपीरियंस भी होना यहाँ पर जरूरी है। सो एक्सपीरियंस 1 to 2 years का मांगा है, मिनिमम 6 months का भी एक्सपीरियंस है इससे रिलेटेड, और आप शिफ्ट करना चाहते हो तब भी ये जॉब प्रोफाइल काफ़ी अच्छा है। और ऐसी कंपनीज जो होते हैं MNCs, वो आप लोगों को ईजी गोइंग, आप लोगों को आपके घर पर लैपटॉप, वाईफाई का कनेक्शन, आपके जो वर्क फ्रॉम होम के लिए हम लोगों को जो कोई भी लगता है, वो सारी चीज़ें जो है वो कंपनी की तरफ से यहाँ पर आप लोगों को मिल जाती है। सो यू डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। बस मेक श्योर करना कि आपके CV में ये सारी चीज़ें यहाँ पर होनी, इसी से रिलेटेड, मतलब अगर आपके पास में सेल्स से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, या आपने कभी बिना इंश्योरेंस से रिलेटेड कभी काम किया हुआ है, तब भी आप यहाँ पर ज़रूर अप्लाई कर सकते हो। ऐसी कोई डिमांड नहीं कि भाई मतलब बैंकिंग लोन से ही आप लोगों का अगर कोई एक्सपीरियंस है तब भी आप यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। इससे रिलेटेड, मतलब इसमें से एक दो स्किल्स भी आप लोगों के पास में, तो यहाँ पर आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हो। और इन लोगों ने अच्छा खासा आप लोगों को ईमेल प्रोवाइड किया है यहाँ पर। आपको क्या करना है, इस ईमेल पर आपका पहले ईमेल को ड्राफ्ट करना सीखो। अब ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन इन लोगों ने दिया हुआ है, उसी जॉब डिस्क्रिप्शन से रिप्लाई वाला जो ईमेल आता है, वो ईमेल आप लोगों को यहाँ पर ड्राफ्ट करना है। उसके बाद में आपका CV जो है यहाँ पर अटैच करना है, उसी के साथ में अगर कोई कवर लेटर होता है तो वो कवर लेटर भी आप यहाँ पर अटैच कर सकते हो। एंड मेक श्योर, बस मेरे यही कहना है कि भाई आप लोगों को कीवर्ड्स, की स्किल्स जरूर डाल देना, क्योंकि आपका CV जब AI के थ्रू में चला जाएगा तो शॉर्टलिस्टिंग के लिए ये स्किल्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये स्किल इन लोगों ने डिमांड किया, तो डेफिनेटली वही की स्किल उन लोगों ने अपने फिल्टर में लगाए होंगे। सो इसीलिए की स्किल को ज़रूर डाल देना। आप एक बार ट्राई करके देखो, अगर आप एक फ्रेशर हो, आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है, तो एक
झूठ मूठ का एक सीवी बना के देखो और उसमें ये की स्किल डाल के देखो, आप लोग देखना आपका ईमेल जो है आप लोगों को रिवर्ट बैक जो है वो यहाँ पर जरूर आ जाएगा। ओके सो अगर आपको लगता है कि इस ऐसे मतलब ईमेल्स को आप लोगों को रिवर्ट बैक कैसे करना है, क्योंकि L&T जैसी कंपनी है तो डेफिनेटली वो आपका ईमेल ड्राफ्टिंग देखती है, आपका सीवी देखती है, और आप लोगों को लगता है कि भाई मुझे अभी तक वो ईमेल ड्राफ्ट नहीं आता है कि मैं इसे रिप्लाई कैसे करूँ, इसको अप्लाई कैसे करूँ, तो एक बार मुझे कमेंट डाउन जरूर करना ईमेल फॉर्मेट के लिए। सो मैं कोशिश करती हूँ कि आपका वो ईमेल का फॉर्मेट जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँ ताकि आप तुरंत यहाँ पर अप्लाई भी कर सको, क्योंकि आई डोंट नो कि ये कब तक ये जो जॉब है वो अलाइव रहेगा, इसकी लिंक जो है कब तक एक्सपायर हो जाएगी, क्योंकि 2 दिन पहले अपडेट हो चुका है और इसके लिए वैकेंसी जो है मेरे ख्याल से 10 वैकेंसीज है, दैट इज़ ओके, चलो ठीक है 10 ओपनिंग्स हैं यहाँ पर। हम लोगों को ओपनिंग्स की नहीं, हम लोगों को वो सोचना है कि इस 10 में मैं भी एक हूँ। ओके सो इस तरह का पॉजिटिव एटीट्यूड हम रखेंगे तो हम लोगों को जॉब के लिए भी बहुत ईजी चला जाएगा। ओके सो लिंक जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ पर HR का ईमेल आईडी भी दिया है और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, आप उसके थ्रू में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ईमेल का फॉर्मेट चाहिए कि इसको रिवर्ट बैक कैसे करते हैं और कैसे सीवी को अटैच करते हैं, तो एक बार मुझे कमेंट डाउन जरूर करना ईमेल फॉर्मेट, ताकि मैं आप लोगों के साथ में ईमेल का फॉर्मेट टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर सकूं। दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो, आई विल गेट इन टच इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।